2022 का नया वर्ष सिमडेगा और झारखंड हॉकी के लिए बहुत बड़ी खुशियां लेकर आया है। झारखंड के 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय इंडिया टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। सभी खिलाड़ी सिमडेगा जिले की हैं। 2022 का वर्ष झारखंड हॉकी के लिए नए वर्ष का बड़ा तोहफा लेकर आया है। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किए गए ये सभी 6 खिलाड़ी सिमडेगा जिला के सुदूरवर्ती गाँव की है, जिनमें प्रमोदनी लकड़ा ठेठाई टांगर प्रखंड के कोरोमिया गांव की है। वहीं रजनी केरकेट्टा ठठाई टांगर प्रखंड के ही पाइकपारा की रहने वाली है। महिमा टेटे ओलंपियन सलीमा टेटे की छोटी बहन सिमडेगा प्रखंड के बड़की झापर गांव की है। वहीं केरसई प्रखंड के करगागुड़ी गांव के 3 खिलाड़ी दीपिका सोरेंग, काजल बड़ा और ब्यूटी डुंगडुंग है। ब्यूटी डुंगडुंग पूर्व से ही जूनियर इंडिया क्रिकेट की सदस्य रही है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह ही वो राष्ट्रीय कैंप बैंगलोर से वापस आई हैं। इसके अलावा दीपिका सोरेंग 2018 में जूनियर इंडिया टीम की राष्ट्रीय कैंप में शामिल रह चुकी थी। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने दिसंबर में ही सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के कैंप के लिए भी झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। 12 सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों में 10 खिलाड़ी सिमडेगा जिले के ही है, जो जिले के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा इंडिया जूनियर कैंप में सिलेक्शन हो गया है। जूनियर इंडिया कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हो गया है जूनियर के लिए। मेरे लिए यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरा सिलेक्शन जूनियर इंडिया कैंप के लिए हुआ है। मेरा जूनियर महिला हॉकी टीम में सिलेक्शन हो गया है कैंप के लिए। हम सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन कैंप में करें और इंडिया टीम में आएँ और देश के लिए आने वाले दिनों में पदक जीतें। और जो सपना इस बार ओलंपिक में नहीं हो पाया है, सेमीफाइनल में हमारी भारतीय टीम पराजित हुई है, इनके मेहनत के बदौलत आने वाले 2024 का ओलंपिक में बीजिंग ओलंपिक में भारतीय टीम पदक जीते और इतिहास बनाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे सिमडेगा से योगी प्रिंस, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रिंस, झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर से अपना दम दिखाया है, कितनी खुशी मिल रही है? बिल्कुल उर्वशी, जिस तरह से देखा जाए झारखंड के सिमडेगा जिले जो हॉकी के नर्सरी कहे जाते हैं, यहाँ की बेटियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है। झारखंड से जो खिलाड़ियों का चयन किया गया है इंडियन हॉकी के लिए, इंडियन हॉकी टीम के लिए, तो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए, उसमें सिर्फ सिमडेगा की 6 खिलाड़ी हैं। और जो सिमडेगा के गौरव की बात है, सिमडेगा से जो 3 खिलाड़ी जो रंगागुड़ी गांव की हैं, वहां से 3 खिलाड़ी हैं। उसके अलावा सिमडेगा के कुरडे के बड़की छापर गांव की 1 खिलाड़ी है और ठेठाई टांगर प्रखंड की 2 खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर ये सिमडेगा के लिए गौरव का पल है कि इंडियन जूनियर टीम में 6-6 खिलाड़ियों का चयन ट्रेनिंग के लिए हो रहा है, कैंप के लिए हो रहा है। तो ये सिमडेगा और पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। उर्वशी, बिल्कुल पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है, हालांकि काफी खुशी है वहाँ के लोगों में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस तमाम जानकारियों के लिए।